कुरुक्षेत्र में बहस शुरू करने से पहले आपको इस वक्त की तस्वीर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी के पैर छुए। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स के कॉपरेशन को लेकर शिखर सम्मेलन होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसी शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 देश शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सबको चौंकाते हुए एक राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी के पांव छूते हुए नजर आए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अपनी परंपरा को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर उनके पांव छूते हुए नजर आए। पापुआ न्यू गिनी में देर शाम पहुंचने पर विदेशी मेहमान की राजकीय सम्मान के साथ आगवानी नहीं की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से देर रात पहुंचे, बावजूद इसके राजकीय सम्मान के साथ उनकी आगवानी की गई। और ये जो तस्वीर दाएं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाता है कि किस तरह का सम्मान, किस तरह का आदर पापुआ न्यू गिनी की तरफ से दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिरपरिचित अंदाज में अक्सर अपने चाहने वालों को पांव छूने से मना करते हैं और कुछ ही इस अंदाज में उन्हें भी रोकते हुए नजर आए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम्स मापे प्रधानमंत्री को गले लगाया और मुस्कुराकर गले लगाकर उनके इस अभिवादन को स्वीकार किया। तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय मूल के लोग स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दाईं तरफ आपको पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, रात का वक्त था, राजकीय सम्मान इस वक्त नहीं दिया जाता, बावजूद इसके न सिर्फ राजकीय सम्मान दिया गया, प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूते हुए जेम्स मापे दिखाई दिए। और ये अपने आप में अलग तस्वीर जो दिखाती है कि नरेंद्र मोदी को विश्व के नेता किस तरह से देखते हैं, परसीव करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। ये न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान है, बल्कि भारत और भारतीय संस्कृति का भी सम्मान है, जहां बड़े के पांव छूकर सम्मान किया जाता है। हालांकि द्विपक्षीय मामलों में समकक्ष होकर बातचीत की जाती है, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ आप प्रेम और आदर का भाव कह सकते हैं, जिसके तहत जेम्स मापे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूते हुए नजर आए। आपके स्क्रीन पर तीन तस्वीरें, एक भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तस्वीर में जेम्स मापे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां दोनों के बीच आत्मीय मिलन जो हो रहा है, सम्मान जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर अपने आप में अलग है, इस तरह की तस्वीर पहले नहीं देखी गई जब किसी राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पांव छूकर स्वागत किया हो, और ये सम्मान है। और अब भारतीय मूल के लोग तिरंगे के साथ पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। और ये इनके लिए भी अपने आप में एक अलग बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करने का मौका मिला है, हाथ में तिरंगा लिया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर है। और ये इस बच्चे के लिए अविस्मरणीय क्षण हो सकता है जब वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैं और सभी से हाथ मिला रहे हैं। और देखिए, जिस भारतीय संस्कृति की बात हम कर रहे थे, भारतीय मूल के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने करीब पाकर न सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, बल्कि पांव छूकर उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के किसी भी सार्वजनिक मंच पर पांव छुए जाने का मनाही करते हैं, विरोध करते हैं और नहीं छूने देते हैं, लेकिन यह भारतीय संस्कृति का वो हिस्सा है जो चाहे अनचाहे उनके समर्थक एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं उनके प्रति अपना प्यार। और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी ले लेना चाहता है, एक तस्वीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे से मिल रहे हैं, देखिए बच्चे के हाथ में, वहां अगर आप झंडा देखेंगे
तो झंडा आपको उल्टा नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकियों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने बच्ची के हाथ से झंडा भी सीधा किया है, इस तरह की तस्वीर भी आई। तो देखिए, उनकी नज़र हर बात पर रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सामने हैं तो उन्हें लग रहा है कि कुछ नज़र से छूट जाएगा। उनकी पैनी नज़र से कुछ नहीं छूटता है। बच्ची के हाथ में तिरंगा, उसे सीधा किया गया और अब छोटे बच्चे को टॉफी देते हुए या फूल देते हुए एक नज़र आ रहे हैं। हाथ में कुछ गुलाबी चीज़ हमें नज़र आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो इंडियन डायस्पोरा, भारत के लोग जो विदेशों में जाकर बसे हैं, उनसे सीधे संवाद करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनसे मिलकर वो देश की एक छवि गढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि भारत पूरे विश्व में शक्ति बन सकता है अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, नॉलेज के जरिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि योग एक ऐसी चीज जो विश्व भर को भारत दे सकता है। तो यह अपने आप में अनूठी तस्वीर, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मापे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आए। और ये तस्वीर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखती हैं जब कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के पांव छूते हुए नजर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।